जय श्री कृष्ण दोस्तों। दोस्तों मुझे बहुत से लोग पूछते हैं कि मैं बहुत सी मोटिवेशनल वीडियोस देखता हूं, लेकिन मैं मोटिवेट नहीं हो पाता। अगर होता भी हूं, तो बहुत थोड़ी देर के लिए होता हूं। कुछ दिनों पहले मुझे किसी ने ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस भेजी और बताया कैसे कुछ दिनों के लिए वो इन वीडियोस को देखकर प्रेरित हुआ और दो दिन बाद फिर वही घिसी पिटी जिंदगी, सब मोटिवेशन खाक में। तो मैंने जब वीडियोस को ध्यान से सुना तो पता लगा उन वीडियोस में मोटिवेशन के नाम पर हमें बहकाया जा रहा है, हमें फुसलाया जा रहा है और हमारा यूथ इसी से इंस्पायर होकर पता नहीं कहां पर जा रहा है। और बात बहुत ही सीरियस है। असल में ऐसी बहुत सी वीडियोस आपको मिलेंगी जो हम में से ज्यादातर लोगों में एकदम से जुनून भर देंगी, पर क्या ये सही रास्ता है? वीडियो खत्म होने पर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। असल में मैंने किसी मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियोस देखी। पहली वीडियो में कुछ जुनून की बात थी, कुछ कर गुजरने की बात थी और दूसरी वीडियो में एक लड़के के ब्रेकअप से उभरने की बात थी। और जो मैसेज वो वीडियोस दे रही थी वो तो भगवान ही जाने। उन वीडियोस में यो यो हनी सिंह जी से इंस्पायर होकर एक नवयुवक ने रैप सॉन्ग गाकर कुछ इस तरह बताया, पो पो फनी टिंग ये आज मुझे मेरे चाचा के बेटे ने है बताया, मुझ में क्वालिटी कोई नहीं, मैं जिंदगी में कुछ कर नहीं पाया। बचपन से मुझे वो बदनाम करता है, जिंदगी में मेरी शाम वो करता है। चाचा मेरे की है एक छोटी सी दुकान, रखते हैं उसमें वो थोड़ा सा सामान। अब मैं चाचा के लड़के को दिखाऊंगा, उसके बाप से बड़ा बिजनेसमैन मैं बन के दिखाऊंगा। आने वाले टाइम में होगा मेरा ही राज, दुनिया बिठाएगी मेरे सिर पे ही ताज। अब मुझे पूरी दुनिया को है दिखाना, एक बड़ा बिजनेसमैन मैंने बन के सबको चुप है कराना। अब देखा जाए तो कितना जोश भरा गाना है ये कर दूंगा। जिसने मुझे बोला मैं बिजनेस नहीं कर सकता उसको बिजनेसमैन बन के दिखाऊंगा और ना जाने क्या क्या। अब ऐसे ही मैंने इस मोटिवेशनल स्पीकर का ब्रेकअप पर सॉन्ग सुना जो कुछ इस तरह था, पो पो फनी टिंग ये मैंने उसके लिए क्या क्या नहीं था किया, उसने मुझे किसी और के लिए छोड़ जो दिया, उसके धोखे को मैं भूल नहीं पाऊंगा। अब मैं उसको मजा जरूर चखाऊंगा, देखना उसकी बेस्ट फ्रेंड को मैं पटाऊंगा, फिर उसकी बेस्ट फ्रेंड को बाइक पर घुमाऊंगा, उसको जलाऊंगा, जमाने को बतलाऊंगा। अब ये वीडियोस देखने के बाद मेरे मन में विचार आया, युद्ध से पहले अगर ये व्यक्ति अर्जुन को ज्ञान देता तो कैसे देता? शायद कुछ इस तरह समझाता, अर्जुन मेरे भाई तू जरा भी घबरा मत, माना कौरवों की टीम बड़ी पर तू हिम्मत हार मत, थोड़ा सा हौसला रख, इतिहास तू ही बनाएगा, युद्ध के मैदान से तू विजय होके आएगा। याद कर भरी सभा द्रौपदी की इज्जत को था उछाला, भूल गया कैसे अभिमन्यु को मौत के घाट उतार डाला। अर्जुन मेरे भाई तू बिल्कुल मत घबरा, विजय तेरी होगी, तू पहला कदम तो उठा। दोस्तों क्या आपको लगता है अर्जुन इस तरह से मोटिवेट होकर युद्ध लड़ सकते थे? ये प्रश्न आपसे है। चलिए तो ये तो हुई बात कुछ ऐसे रैप सॉन्ग्स की जो हमें मोटिवेट करते हैं। अब मैं आपको अपने एक दोस्त का रियल लाइफ एक्सपीरियंस सुनाता हूँ जो मेरे दोस्त ने मुझे सुनाया था। ये किस्सा मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ ताकि आप ये समझ सको ये लोग कैसे हमारे मन पर प्रभाव छोड़ते हैं। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया वो अपने एक दोस्त के साथ कार में कहीं घूमने गया। एक जगह खूब बारिश हुई और उनके रास्ते में आगे दलदल थी। कार को आगे बढ़ाने का मतलब था गाड़ी को दलदल में फंसाना। मेरे दोस्त ने गाड़ी को रोक लिया पर उसके दोस्त ने उससे कहा, क्यों रुका है, आगे बढ़, बड़ा चल, तभी तो आगे चलेगा, बढ़ आगे। फिर उसने मेरे दोस्त को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया और कहा, घबरा मत इस दलदल से, ये बहुत छोटी दलदल है, तेरी हिम्मत के आगे। जिंदगी जीने का एक मंत्रा याद रख, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अब ये लाइन सुनकर मेरा दोस्त भी खूब मोटिवेट हुआ और आगे बढ़ा, बढ़ता ही चला और फिर दलदल में कार के साथ फंस गया। और अब मेरे दोस्त के मन से शायद ये आवाज आई होगी, खुदी को करके बुलंद इतना, चढ़ गया इतने ऊंचे, अब खुदा बंदे से पूछता है बेटा उतरेगा नीचे कैसे। बताना चाहूंगा इस उर्दू कोट में हमें अच्छे कर्म करने की सलाह दी है जो श्रीमद् भगवत गीता की सीख भी है। अब इस तरह की मोटिवेशन के साथ असल समस्या क्या है ये भी जान लेते हैं। ये जानने के लिए एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी सच्ची तो नहीं पर सीख बहुत अच्छी है, तो सीधा आते हैं कहानी पर। एक जंगल में एक खूंखार शेर रहता था।
वो इतना ज्यादा मनमौजी था, जब भी वो शिकार पर निकलता तब अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके एक साथ कई जानवरों को जान से मार डालता था। वो जानवरों को तब भी मार देता था जब उसको भूख ना भी होती। ऐसा अत्याचार उसने पूरे जंगल में फैला रखा था और उसकी इसी आदत के कारण जंगल का हर जानवर उससे डरने लगा। तभी शेर को रोकने के लिए बाकी सभी जानवर अपने लीडर भालू के पास शिकायत लेकर गए। वैसे तो भालू भी शेर से डरता था, लेकिन समस्या थोड़ी गंभीर थी, इसलिए उन्होंने कुछ उपाय सोचना शुरू किया और कुछ ही देर में भालू सभी जानवरों को साथ लेकर शेर के पास समस्या का हल निकालने के लिए पहुंच गया। अब सभी जानवरों को एक साथ आता देख शेर थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर भी शेर दहाड़ते हुए बोला, आखिर आप सब यहाँ मुझसे लड़ने आए हो, लगता है आज तुम सभी की मौत एक साथ सबको यहाँ लेकर आई है। तभी भालू ने धीमे स्वर में कहा, नहीं महाराज, हमारी कहाँ इतनी हिम्मत कि जंगल के राजा से हम लड़ें। हम तो आपसे निवेदन करने आए हैं, आप जंगल के राजा हैं, आपके बिना जंगल अधूरा है और हम सब आपकी प्रजा हैं। बस आपसे एक छोटी सी विनती है महाराज, आप जब भी शिकार पर निकलते हो जो भी जानवर आपके सामने आता है आप उसे मार देते हो, आप उन सबको खाते भी नहीं। अगर इसी तरह चलता रहा तो एक दिन पूरा जंगल ही सुन पड़ जाएगा, फिर आप भी राजा नहीं रहोगे। हम सब चाहते हैं हमारे राजा आप ही बने रहें, तो हम सब मिलकर आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, आप अपनी गुफा पर ही ठहरो। और रही बात आपके खाने की, तो हम खुद आपके यहाँ एक जानवर भेज दिया करेंगे। शेर ने थोड़ा विचार किया और सोचा, बात तो सही है, अब तो मुझे शिकार करने के लिए भी अपनी गुफा से निकलने की आवश्यकता नहीं, सब जानवर खुद मेरा शिकार बनने को तैयार हैं। तभी शेर अपनी सख्त आवाज में बोला, ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन याद रखना जिस दिन मेरे पास कोई जानवर नहीं आया उस दिन किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जानवरों के पास वैसे भी कोई विकल्प ना था, वो शेर की बात मान गए और वापस अपने घर चले गए। शर्त के अनुसार उस दिन के बाद हर रोज एक जानवर शेर के पास भेजा जाने लगा। एक दिन बारी आई चालाक बंदर की। बंदर जैसे ही उस शेर के पास जा रहा था तभी उसने सोचा, बेकार में इस शेर के हाथों मरना है, इसका कोई उपाय सोचना चाहिए। और सोचते सोचते बंदर को एक उपाय मिल ही गया। बंदर डरते डरते शेर के पास पहुंचा। अब बंदर को थोड़ी देरी हो गई थी और शेर काफी भूखा था। शेर ने डांटते हुए बंदर से कहा, तुम्हें इतनी देरी कैसे हो गई? तुम जानवर अपना किया हुआ वादा भूल रहे हो, लगता है मुझे वापस अपने पुराने रूप में आना पड़ेगा, अब तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी बंदर हकला कर बोला, महाराज एक बड़ी समस्या आ गई है, अगर समस्या हमारे लिए होती बात नहीं थी, लेकिन समस्या आपके लिए थी इसीलिए मुझे देरी हो गई। बंदर ने कहा, महाराज आज मैं अकेला नहीं आया था बल्कि अपने साथ दो और बंदरों को लाया था, लेकिन रास्ते में ही हमें एक और शेर मिला और उस दुष्ट शेर ने मेरे साथ आए दो बंदरों को मारकर खा लिया और बोला जंगल का राजा मैं हूँ। जब मैंने उसे आपके बारे में बताया तो उसने आपको भी जान से मारने की बात कही, मैं जैसे तैसे अपनी जान बचाकर आया हूँ। इतना सुनते ही शेर ने दहाड़ कर कहा, एक और शेर? और अब चालाक बंदर ने मनगढ़ंत कहानी बनाई और कहा, महाराज वो एक बहुत ही बड़ा शेर है और वो बोल रहा है, यहाँ के सभी जानवर मेरी प्रजा है, यहाँ का राजा सिर्फ मैं हूँ। और जब मैंने उसे आपके बारे में बताया तो वो गुस्से में लाल पीला होकर कहने लगा, ये खबर मैं आप तक पहुँचा दूँ। बंदर ने कहा, महाराज आप जाइए और आप उसको दिखा दीजिए कि आप क्या चीज हो। अब शेर का जोश सातवें आसमान पर था। शेर जोर जोर से दहाड़ने लगा और बंदर को बोला, लेकर जाओ मेरे को उस शेर के पास। बंदर ने शेर को पीछे पीछे आने को कहा। दोनों एक कुएं के पास पहुंच गए। बंदर ने शेर से कहा, महाराज वो इधर ही नीचे जमीन में अपने बनाए हुए कुएं में रहता है, आप तो बहुत ताकतवर हैं, आप उसको आसानी से हरा देंगे। तभी शेर ने उसकी बातों को काटते हुए कहा, मुझे क्या किसी का डर है, आने दो उसको। शेर ने जैसे ही कुएं के अंदर झांका तो उसको कुएं में खुद की परछाई दिखाई दी और अपनी ही परछाई को देखकर शेर जोर जोर से दहाड़ने लगा और शेर को उसकी खुद की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। शेर को लगा वो सामने वाला बड़ा शेर भी दहाड़ कर उससे लड़ने को ललकार रहा है। बंदर ने फिर पीछे से कहा, महाराज आप बता दो इसे आप क्या हो। शेर ने दूसरे शेर को मारने के इरादे से उस कुएं में छलांग लगा दी और शेर खुद ही कुएं की दीवार पर टकरा कर पानी में गिर गया और पानी में डूबने के कारण शेर की मौत हो गई। दोस्तों अब ध्यान से सोचो, बंदर ने शेर को जो जोश दिलाया, गुस्सा दिलाया,
बस ये फेक टाइप के मोटिवेशनल स्पीकर्स भी यही बंदर का रोल अदा करते हैं। क्या हम गधे हैं जो हम किसी को नीचा दिखाने के लिए या किसी को कुछ प्रूव करने के लिए अपना रास्ता बदल लें? जोश में आना और मोटिवेट होना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। असली ज्ञान ही हमें मोटिवेट कर सकता है। किसी के प्रति क्रोध और आक्रोश हमें बर्बादी की ओर ही ले जाएगा। मन की शांत अवस्था ही हमें सफलता की ओर ले जाएगी। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 63वें श्लोक में कहा है, क्रोध से हमारी सोचने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे बुद्धि भ्रष्ट होती है। बुद्धि भ्रष्ट होने से विवेक का नाश होता है। विवेक का नाश ही मनुष्य के पतन का कारण बनता है। अब ध्यान से देखा जाए तो ये सब हम में एक क्रोध, एक आक्रोश ही पैदा करके बुद्धि का नाश कर रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हरे कृष्ण।